नमः, जय माता दी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, माँ अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर कर मनचाहा वरदान प्रदान करती हैं। कहते हैं जिसे माँ भगवती की कृपा प्राप्त हो गई, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ की कृपा से सब सुख की प्राप्ति होती है और जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है। माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्रि का पर्व सबसे ज्यादा खास माना जाता है, क्योंकि यह पर्व माँ आदिशक्ति दुर्गा को समर्पित होता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार पूरे साल भर माता रानी का पूजन करने से माँ की उतनी कृपा प्राप्त नहीं होती जितनी नवरात्रि में करने से होती है। इसलिए भक्त नवरात्रि के दौरान माँ का अधिक से अधिक पूजन करते हैं और व्रत करते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के प्रथम दिन माता रानी धरती पर आ जाती हैं और नवरात्रि के दिनों में धरती पर अपने भक्तों के घरों में वास करती हैं। जो भक्त इस दौरान माता रानी का पूजन करते हैं और व्रत करते हैं, माता रानी उनके सभी कष्ट दुख दरिद्रता का नाश कर देती हैं। माता रानी अपने भक्तों को मनवांछित वरदान प्रदान करती हैं। इस उपाय को करने से माता रानी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। माँ की असीम कृपा प्राप्त होती है। माँ की कृपा से जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है। माँ अपने भक्तों के सभी कष्ट दुख दरिद्रता का नाश कर देती हैं और पूरे साल भर धन की कोई कमी नहीं रहती, धन का लाभ होता है। दोस्तों, उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। और माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माता रानी अवश्य ही लिखें। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस असरकारक उपाय के बारे में। दोस्तों, यह उपाय आप नवरात्रि में प्रातःकाल या संध्या काल किसी भी समय कर सकते हैं। उपाय करते समय स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। उपाय करने से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें, काले रंग के वस्त्र पहनकर यह उपाय ना करें। नवरात्रि के दौरान पूरी 9 दिनों तक काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इन्हें अशुभ माना जाता है। माता रानी का पूजन करते समय सदैव लाल, पीले, हरे, गुलाबी किसी शुभ रंग की वस्त्र ही धारण करें। अगर आप संध्या काल के समय यह उपाय कर रहे हैं, आपने सुबह स्नान किया है, तो आप शाम को मुंह हाथ धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर यह उपाय कर सकते हैं। उपाय करने के लिए सबसे पहले आप एक दीपक लें। आप मिट्टी का, आटे का या पीतल का कैसा भी दिया ले सकते हैं। अगर मिट्टी का दिया लिया है तो उसे अच्छी तरह से पानी से धोकर साफ कर लें। आटे का दिया ले रहे हैं तो आप साफ जल से बिना नमक का आटा मढ़ें। दिया लेने के बाद आप एक कटोरी लें या एक प्लेट लें, उसमें थोड़े से साबुत चावल रखें और चावलों के ऊपर आप इस दिए को रखें। दिए में अब आप घी भरें। अगर घी ना हो तो मीठा तेल, जिसे तिल का तेल कहा जाता है, या सरसों का तेल भी आप इसमें भर सकते हैं। दिए में तेल या घी डालने के बाद अब आप इस दिए में रुई की बाती लगाएं। दोस्तों, एक तो लेटी हुई बाती होती है जो लंबी बाती लगाई जाती है, और एक होती है खड़ी बाती। आपको इस दिए में खड़ी बाती लगानी है। अब आप यह प्लेट सहित दिया माता रानी के सामने रख दें। आपने अगर अलग चौकी पर माता रानी की मूर्ति की स्थापना की है नवरात्रि के दौरान, तो आप चौकी पर इस दिए को रखें। नहीं तो आप अपने मंदिर में माता रानी के सामने इस दिए को रख दें और फिर इस दिए को जलाएं। फिर माता रानी को आप कुमकुम से तिलक करें और किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। आप बताशा या शक्कर का भी भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के पश्चात आप माता रानी को प्रणाम करें, नवदुर्गा माँ को प्रणाम करें। प्रणाम करने के पश्चात आप एक साबुत फूल वाली लौंग लें। दोस्तों, ध्यान रखें, आपको लौंग साबुत लेनी है जिसमें फूल लगा हुआ हो। टूटी हुई लौंग ना लें। टूटी हुई लौंग का इस्तेमाल पूजन में नहीं किया जाता। लौंग लेने के पश्चात अब आप इस लौंग को माता रानी के चरणों में रखें और माता रानी से अपने सभी कष्ट दुख दरिद्रता को दूर करने की प्रार्थना करें। आपकी जो भी समस्या है वह आप माता रानी के सामने कहें और अपनी समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें।
प्रार्थना करने के पश्चात अब आप उस लौंग को माँ के चरणों से उठा लें और इस दीपक में डाल दें। दीपक में लौंग डालने के पश्चात अब आप माता रानी का पूजन करें। माँ के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है। मंत्र है, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्छे, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्छे। दोस्तों, आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। यह माता रानी को प्रसन्न करने का सबसे प्रशस्त मंत्र माना जाता है। इस मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप माता रानी की आरती अवश्य ही करें। माँ की आरती करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जो दीपक जलाया है उस दीपक से आपको माँ की आरती उतारनी है। दीपक आपने प्लेट या कटोरी में रखा है तो उसे प्लेट कटोरी सहित उठाकर आप माँ की आरती उतारें। आरती उतारने के पश्चात दोस्तों, आपको फिर से माता रानी से अपने सभी कष्ट दुख दरिद्रता को दूर करने की प्रार्थना करनी है। आपको जो भी परेशानी है वह आप माँ के समक्ष रखें और परेशानी दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, घी खत्म होने के साथ साथ जैसे जैसे दीपक की बाती जलती जाएगी, बाती के साथ ही यह लौंग भी जलती जाएगी और जैसे जैसे यह लौंग जलती जाएगी माँ की कृपा से आपके जीवन में आ रही कठिनाइयां परेशानियां भी इस लौंग के साथ जलती चली जाएंगी। इस उपाय को नवरात्रि के दौरान करने से माता रानी की असीम कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। पूरे साल भर धन की कमी नहीं रहती, धन की हानि होना बंद हो जाती है और धन का लाभ होता है। दोस्तों, अगर दीपक की बाती पूरी जल जाए और लौंग थोड़ी बच जाए, पूरी ना जल पाए, तो आप उस पर थोड़ा कपूर डालकर उसे जला दीजिए और जो दीपक की बाती और लौंग की जो राख होगी इसको आपको पानी में मिलाकर किसी पेड़ पौधे की जड़ में डालना है या फिर नवरात्रि के दौरान आप कंडे पर जो अग्यारी करते हैं, नवरात्रि की पूजन सामग्री इकट्ठी कर रखी है सिराने के लिए, जल में विसर्जित करने के लिए, आप उसमें भी इसे डाल सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में प्रातः काल और संध्या काल के समय माता रानी के आगे दीपक जलाकर पूजन अवश्य ही करना चाहिए। इसलिए आपको इस उपाय को करने से अलग से दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं है। आपने पूजन के दौरान जो दीपक जलाया है आप उसमें ही लौंग डालकर इस तरह माता रानी का पूजन कर यह उपाय कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अखंड ज्योत के दीपक से आप ये उपाय ना करें। दोस्तों, माता रानी को आपने जो भोग लगाया है उसे प्रसाद के रूप में अपने परिवार सहित ग्रहण करें। दोस्तों, हो सके तो इस उपाय को आप नवरात्रि में रोजाना करें। अगर रोजाना ना कर सके तो नवरात्रि की महासप्तमी, महाअष्टमी और महानवमी के दिन इस उपाय को अवश्य ही करें। उपाय करने के साथ ही कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। माता रानी के भक्तों को नवरात्रि के दिनों में काले रंग के वस्त्र भूलकर भी नहीं पहनने चाहिए, इन्हें अशुभ माना जाता है। नवरात्रि के दौरान पुरुष हो या महिला हो, किसी को भी बाल नहीं काटने चाहिए और नाखून भी नहीं काटने चाहिए। पुरुषों को दाढ़ी मूछ भी नहीं बनानी चाहिए। नवरात्रि के दौरान मदरा, तंबाकू, सिगरेट इत्यादि का सेवन भूलकर भी ना करें। नवरात्रि के दौरान प्याज, लहसुन और मीठ अंडे का सेवन भी ना करें। अगर आपने घर में अखंड ज्योत जलाई है या फिर घट की स्थापना की है तो 9 दिनों तक आप अपने घर को खाली छोड़कर ना जाएं, यानी कि घर का कोई ना कोई सदस्य घर में अवश्य ही रहना चाहें। नवरात्रि के व्रत रखने वाले भक्तों को नवरात्रि के दिनों में दिन में भूल कर भी नहीं सोना चाहिए। पीरियड के दौरान महिलाएं यह उपाय ना करें। पीरियड के दौरान महिलाएं माता रानी का स्पर्श ना करें, मानसिक पूजन करें। दोस्तों, नवरात्रि के यह दिन माता रानी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही खास दिन माने जाते हैं, इसलिए इन दिनों में अधिक से अधिक माँ का पूजन और ध्यान करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सके। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय माता दी।